मनपा में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का सिलसिला। सिटी के विकास और शहरवासियों के लिए किसी नई योजना के लिए भले ही मनपा चर्चाओं में रहा हो, लेकिन आए दिन कोई न कोई घोटाला उजागर होने से सुर्खियों में जरूर दिखाई दे रहा है मनपा। आलम यह है कि मनपा में भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब मनपा में नया टैब घोटाला उजागर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में मनपा स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए मनपा द्वारा उन्हें टैब देने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के अनुसार मनपा शिक्षा विभाग की ओर से 28 स्कूलों के 1800 छात्रों को टैब का वितरण किया गया। मनपा प्रशासन का मानना था कि जो टैब इन छात्रों को दिए गए वे वापस आने के बाद अन्य छात्रों के अध्यापन के काम आएंगे, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार मनपा स्कूलों का स्तर बढ़ाने तथा 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने की दृष्टि से 1800 टैब जो आवंटित किए गए थे, लेकिन इनमें से 400 खराब हो गए। 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद 300 टैब वापस मिले, लेकिन 1100 टैब कहाँ गए इसे लेकर प्रशासन के पास किसी तरह की जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि मनपा की ओर से छात्रों को टैब तो वितरित किए गए थे, लेकिन सिम कार्ड और इंटरनेट की सुविधा नहीं दिए जाने से छात्र टैब का लाभ नहीं उठा पाए। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।